चैनल। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम आज मैं आप लोगों के साथ एक मेकअप वीडियो करने वाली हूँ। मतलब आई थिंक 3-4 मंथ तो हो ही हो गया होगा मैंने कोई मेकअप वीडियो नहीं डाली है। एंड फाइनली आज हम कोई तो मेकअप लुक करने वाले हैं। कोई प्लानिंग नहीं है कैसा क्या लुक होगा, बट कुछ तो हम ज़रूर करेंगे। सो यार चलिए स्टार्ट करते हैं। चिट चैट काइंड ऑफ वीडियो होगी ये, मेकअप ट्यूटोरियल टाइप्स तो नहीं होगा, लेकिन या थोड़ा सा हम बात ही करेंगे एंड मेकअप करेंगे, सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी। एंड या पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टा, माय हैंडल इज स्वाति मिश्रा प्रो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को टाई अप कर लेती हूँ जिससे ये मुझे डिस्टर्ब ना करें। एंड ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गर्मी है और आज मैंने ये प्लान किया है मेकअप वीडियो बनाने का, और फैन ऑन है तो थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम होगी, बट इट्स ओके, आप मैनेज कर लेना क्योंकि गर्मी में मेकअप नहीं हो सकता है। ओके, अब मैं ठीक हूँ, मैंने बहुत अच्छे से सेट कर लिया है। तो सबसे पहले अपने फेस को टोन करेंगे और इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉर्गेनो का नेचुरल स्किन टोनर रोज़ वाटर। आप सिंपली रोज़ वाटर से भी स्किन को टोन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा स्प्रे फॉर्म में मिल जाता है तो इजी हो जाता है फेस पे अप्लाई करना। डन, इसको अपने आप थोड़ा सा ड्राई होने देंगे एंड वैसे मैं सोच रही हूँ कि आज मैं किस टाइप का मेकअप करूँ। एक तो मैं काफ़ी टाइम बाद मेकअप कर रही हूँ तो ज़्यादा कुछ डार्क में नहीं होगा, बहुत ही लाइट हम कुछ करेंगे एंड देखते हैं कैसा टर्न आउट होके आता है। तो अभी ये ड्राई हो रहा है एंड एक चीज़ मैंने नोटिस की कि मैंने जैसे 3-4 महीनों से कोई मेकअप वीडियो नहीं बनाई एंड ना ही मैं कहीं बाहर गई कि मैंने कुछ हैवी मेकअप किया, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया, तो उसकी वजह से मेरी स्किन जो है वो काफ़ी हेल्दी लग रही है। आई मीन थोड़े जो बहुत पिंपल्स एंड स्पॉट्स वगैरह थे वो भी कम हो गए हैं तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो अभी हो गया है ये ड्राई एंड नेक्स्ट हम थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे क्योंकि बहुत लाइट मेकअप होने वाला है, तो एटलीस्ट स्किन केयर अच्छा किया जाए। और ऑलरेडी स्किन थोड़ी ठीक ठाक हो गई है तो उसको उस पर बने रहने देते हैं एंड थोड़ा सा हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेंगे, बहुत ही थोड़ा सा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाने का मन भी नहीं करता है। एंड मॉइस्चराइज़र डन। एक चीज़ तो मैं भूली गई, मतलब इतने टाइम बाद मैं मेकअप कर रही हूँ कि मुझे याद भी नहीं कि मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। सबसे जरूरी चीज़ मैं मिरर तो लेना भूल ही गई, मुझे मिरर लाना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें भूले हैं। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें रख ली है अब, और अब देखते हैं हमें क्या करना है। एंड अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे फाउंडेशन एंड फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लक्ष्मी 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन एंड जिसमें मेरा सेड है वॉर्म नेचुरल, और मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया था एंड मुझे बहुत अच्छा सेड मिल गया था। मतलब ये बड़ी खुशी की बात होती है कि आप ऑनलाइन कोई चीज़ें लेते हो, स्पेशली फाउंडेशन कंसीलर ये सारी चीज़ें, और वो आपके सेड का मिल जाए ना फर्स्ट टाइम में तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे मैंने लिया एक ब्यूटी ब्लेंडर जो कि काफ़ी गंदा हो रखा है, इट्स ओके। इसे मैंने थोड़ा सा भिगो लिया है, मीन्स आपको डैम ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप ड्राई यूज़ करेंगे ना तो आपका सारा फाउंडेशन ही खा लेगा, इसीलिए आपको कुछ इस तरह से, मतलब आप जब ब्यूटी ब्लेंडर लो और उसका साइज़ बड़ा हो जाए, मतलब आप भिगोते हो उसके बाद उसका साइज़ बड़ा हो जाए तो आपका ये परफेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर होता है। एंड अब हम इसे अप्लाई कर लेंगे। ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छी कवरेज दे देता है, मतलब आप थोड़ा ही भी अप्लाई करते हो तो भी आपको अच्छी खासी कवरेज मिल जाती है, बाकी तो कंसीलर कवर कर ही देगा, जो भी कमी रह जाती है फाउंडेशन से वो कंसीलर कवर कर देगा। और इसी ब्यूटी ब्लेंडर में मतलब जो भी प्रोडक्ट आपका रह गया है उसे अपने नेक पे भी अप्लाई कर लेंगे। वैसे मेरे ब्यूटी ब्लेंडर में मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रोडक्ट रह गया, बट ठीक है,
फॉर्मेलिटी कर लेते हैं थोड़ा सा अप्लाई करके नेक पे भी, जिससे आपका नेक एंड फेस जो है वो अलग अलग ना लगे, तो इसलिए थोड़ा सा आपको अप्लाई कर लेना है, दैट्स इट। एंड आज मैं एक नई चीज़ ट्राई करने वाली हूँ, नया प्रोडक्ट, आई मीन कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का, जो कि अभी न्यू मेरे पास आया है। एंड इसमें मेरा जो शेड है वो है 02, ओनली 02 लिखा है, देखते हैं यहाँ कहीं शेड नेम लिखा है, 02 सैंड सेवल, इस तरह की पैकेजिंग में आता है ये। इसकी काफ़ी तारीफ सुनी है तो मैंने सोचा लेना चाहिए। एंड बहुत हल्का सा हम अप्लाई करेंगे इसे, वैसे काफ़ी अच्छा ब्लेंड हो रहा है, सबसे अच्छी बात तो ये है। अच्छी कवरेज है, आई मीन आपको अंडर 200 में कोई अच्छा कंसीलर, इतना अच्छा कंसीलर नहीं मिलेगा, तो इसलिए गो फॉर इट। हेलो यार, कंसीलर एंड फाउंडेशन डन, और अब हम थोड़ा सा पाउडर से सेट कर लेंगे। वैसे लास्ट में हम पाउडर से सेट करते हैं, बट थोड़ा सा गमी ज़्यादा है तो इसलिए हम अभी सेट कर लेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा केकी भी हो सकता है। मुझे लगता है सबसे पहले ब्राउन शेड यूज़ करना चाहिए, उसके बाद देख लेंगे क्या करना है। एंड अब हम देंगे एक फ्लैट ब्रश, छोटू सा जो मैं ढूंढ रही हूँ और मुझे मिल नहीं रहा है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ब्रश मिल गया, और अब मैं यहाँ पे एक ब्राउन शेड लेकर के, कोई भी आई शेडो पैलेट आपके पास जो भी है आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं कई सारे आई शेडोज़ को मिक्स करके यूज़ करने वाली हूँ, मतलब स्विस ब्यूटी का भी आई शेडो है एंड बेटर वर्ल्ड का आई शेडो, जो भी समझ में आएगा वही कर लेंगे आज हम। तो थोड़ा सा जहाँ पे आपको आईलाइनर लगाना है आपको वहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करना है, क्योंकि आज हम आईलाइनर का यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसलिए हम आई शेडो का यूज़ करेंगे। काफ़ी सही लग रहा है, और इसी से हम हल्का हल्का ब्लेंड भी कर लेंगे, मतलब आप किसी ब्लेंडर ब्रश से भी कर सकते हो, लेकिन जुगाड़, और हम इसी से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये आई शेडो पैलेट है स्विस ब्यूटी का, जिसमें से मैं एक मरून शेड लेकर के बहुत ही हल्का सा लेंगे, ज़्यादा नहीं। इस बार इस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इसमें, इसलिए मैं यहाँ पे आईलिड्स से शुरू करूँगी, क्योंकि आईलिड्स पे डार्क हो जाएगा चलेगा, बट आपके क्रीज लाइन पे डार्क हो जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा कम लगता है, इसीलिए हम पहले आईलिड्स से स्टार्ट करेंगे। और अब हमारे पास है एक बड़ा सा फ्लफी ब्रश, जिसकी हेल्प से हम इसे और ब्लेंड करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत लाइट चाहिए और ये धीरे धीरे डार्क हो गया, आई डोंट नो कैसे हो गया, लेकिन हो गया तो उसको हम ठीक तो करेंगे ना। और अब ये लाइट भी हो रहा है, वैसे आज मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेके बैठी हूँ, तो आप लोग भी आराम से बैठो और फुल वीडियो देखो, क्योंकि वीडियो आज बहुत लंबी होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है, अभी तक तो यही लग रहा है कि वीडियो लंबी होने वाली है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना और इस बार एक बड़ी वीडियो देख लेना, क्योंकि ये पूरा एक्सप्लेन होने वाला है। आई थिंक अब ये सब गिरता पड़ता रहता है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आईलाइनर गिरेगा, आई शेडो गिरेगा, ऐसा बहुत होता है मेरे साथ। ओके, सो
आई शेडो डन डन डन, लेकिन सॉरी बट आप सोचोगे कि कितना आई मेकअप में टाइम लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसे और सही करना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा ब्राउन शेड और चाहिए और मैं फिर से ब्राउन पे जाती हूँ और थोड़ा सा इस जगह पे। अरे हाँ, आई मेकअप कैसे कंप्लीट हो सकता है बिना लोअर लैश लाइन के, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्राउन शेड लेकर के और थोड़ा सा मरून शेड लेकर के दोनों को मिक्स करके अपने लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड करेंगे। देखो अगर आपने लोअर लैश लाइन पे नहीं लगाओगे ना तो बहुत ज़्यादा अधूरा दिखेगा, आप खुद देख सकते हो कि अभी तक ऐसा कंप्लीट नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी कुछ तो कमी लग रही है, तो यहाँ पे आप लोअर लैश लाइन पे ज़रूर अप्लाई करो और उसे ब्लेंड करो। तो अब बारी है ब्लश की, मतलब ऐसा कुछ लाइन से नहीं चल रहा है, जो भी समझ में आ रहा है वही मैं अभी अप्लाई कर ले रही हूँ। मतलब आज कुछ ऐसा बहुत परफेक्टली नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं एक आई शेडो पैलेट लेकर के उसमें से बहुत ही लाइट शेड जो होगा ना, आई थिंक ये इस नहीं ये इससे मैं ब्लश अप्लाई कर लूँगी। ऐसे जुगाड़ कर सकते हो आप आई शेडो से ब्लश, लिपस्टिक से ब्लश, आई शेडो से आईब्रोज। ओ आईब्रोज, अभी मुझे याद आया मुझे आईब्रोज भी करनी है आज, तो क्या ही होने वाला है। ठीक है, आज हम काफ़ी इंजॉय करके करेंगे, अभी इससे हम बहुत ज़्यादा आईब्रोज को डिफाइन नहीं करना क्योंकि बहुत ही सिंपल लुक ले रहे हैं हम, तो अगर बहुत परफेक्ट एकदम आईब्रोज करेंगे तो वो हैवी दिखेगा, इसलिए बहुत ही लाइटली इसे अप्लाई कर देंगे और कुछ भी ऐसा कंसीलर से क्लीन वगैरह नहीं करना है हमें। एंड नाउ अभी हम पूरे से इसे ब्लेंड कर लेंगे जो भी प्रोडक्ट हमने अप्लाई किया है, एंड डन। वैसे आजकल रिवर्स कॉन्टोरिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, क्या बोलते हो ट्राई करना चाहिए? तो कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर ट्राई करूँगी रिवर्स कॉन्टोरिंग और देखेंगे कि उसका इफ़ेक्ट कैसा आता है। वैसे मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा टिप दूँ, अगर आपके पास हाइलाइटर ब्रश नहीं है और आपके पास ऐसा सा कुछ ब्रश है तो आप उसे हाइलाइटर ब्रश बना सकते हैं। आप जो हेयर पिन एंड उसके बाद उसको कुछ इस तरह से लगा दो एंड टन टन, तैयार है हमारा देसी जुगाड़ हाइलाइटर ब्रश और इससे आप हाईलाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये शेड लूँगी, यहाँ पे भी वाव काफ़ी अच्छा है इसका इसकी पिगमेंटेशन। डन, और अब बारी है मेन पार्ट की यानी कि लिपस्टिक। अब ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि हम लिपस्टिक किस शेड की लगाएं। आई मीन अगर मैंने न्यूड शेड लगाई जो कि मेरी फेवरेट है, फेवरेट कौन सी है, फेसेस कनाडा की, अगर न्यूड लिपस्टिक मैंने लगाई तो आप लोग कमेंट कर दोगे कि हमेशा यही वाली लिपस्टिक यूज़ करती है, बट मैं क्या करूँ जो कि है ये, लेकिन आज मैं इसको नहीं यूज़ करूँगी बिकॉज आप लोग बोल दोगे ज़रूर, मुझे पता है। नेक्स्ट है वेट एंड वाइल्ड की, तो वो भी आप बोल दोगे कि हमेशा ये यूज़ करती है, मैं क्या करूँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इस शेड में और मुझे मिलती भी नहीं है। ऐसा ही होता है, मतलब मैं मंगाती हूँ लेकिन शेड कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, तो क्या हम यूज़ करें। ओके, तो आज हम स्टिक वर्की की लिपस्टिक यूज़ करेंगे, मिनी लिपस्टिक, और देखते हैं ये शेड कैसा आया। और ये है स्टिक वर्की का T1, इसका शेड नेम है, ठीक है T1, और इसे मैं यूज़ करूँगी।
तो चलो अब बालों को ओपन कर लिए हैं तो थोड़ा सा ब्यूटी शॉट्स देख लेते हैं। मतलब यहाँ तक आए हो, देख ही लिए हो, तो थोड़ा सा ब्यूटी शॉट्स देख के ही जाना।